नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है। उसके पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें कल जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश जी, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, वो आप पहले वीडियो देखिए, फिर आज की इस न्यूज की बात भी हम करेंगे। ये जो शिक्षक भर्ती है, इस सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती नहीं की, और अगर शिक्षक भर्ती हो भी गई होगी तो ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले जानते होंगे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ है, कितने सालों से ये लड़ रहे हैं और आज भी इनको न्याय नहीं मिला है, इनको न्याय नहीं मिला आज तक। इसलिए हम अपने जहां समाजवादी सरकार में हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए मौका देंगे, वहीं हमारे 69,000 वाले जो शिक्षक हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, इनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये आपने एक वीडियो क्लिप देखी। इसके अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर क्या कुछ कहा इनके द्वारा, वो भी सुन लीजिए। ये जितने नौजवान हमारे सामने तख्ती लेकर के खड़े हैं, ये तमाम नौजवान जानते होंगे कि जब जब ये तैयारी करके गए, इन्होंने कोचिंग की, मेहनत की, परीक्षा दे करके आए, और जब परीक्षा अच्छी हो गई और घर वापस लौट करके आए तो उन्हें पता लगा पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जो खड़े हैं, केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, इस सरकार में 10 पेपर से ज्यादा लीक हुए, पेपर लीक हुए हैं, सब पेपर लीक हो गए। और हाल ही में हमारे नौजवानों को याद होगा कि जब पुलिस भर्ती का इन्होंने फैसला लिया कि पुलिस भर्ती 2 दिन परीक्षा कराई जाएंगी, और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षा के इंतजाम हैं कि कहीं भी पेपर लीक नहीं होगा, हमारे नौजवानों ने तैयारी की, मेहनत कर करके गए, वहां पर पड़े रहे, ऐसे ही रुके, कहीं रुक पाए नहीं रुक पाए, स्टेशन से लेकर के अपनी गाड़ियों में सोते रहे, परीक्षा दे करके आए, और जब घर लौट करके आए तो पता लगा पुलिस भर्ती का भी पेपर गया। हमारे नौजवान जानते होंगे कि सरकार ने कोई परीक्षा नहीं करा पाई, पता नहीं ये सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है, हर पेपर लीक हो रहा है इनका। और याद रखना, मैंने कई मौकों पर वो गणित समझाया है कि अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा रद्द की वजह से जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, अगर 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को हम जोड़ दें तो एक परिवार से 3 लोग नाराज हैं, और अगर 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली, तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम 60 लाख का गुणा 3 से कर दें तो 1,80,00,000 होता है, और यही 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम होता है। बताओ, 1,80,00,000 का अगर भाग दोगे 60 लाख से तो कितने हुए, 2,25,000। और जिस पार्टी से 2,25,000 एक लोकसभा में वोट कम होंगे तो बताओ उनकी हालत क्या होगी उस लोकसभा में, बताओ नौजवानों, इनका सफाया करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इन्होंने केवल आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं की है, जरा सोचना जाकर के, आपके जीवन का 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, 1/3 जीवन। और जितने भी फैसले लिए इन्होंने,
और नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं दिला पाए। तो ये थी पूरी क्लिप। अब बात करते हैं आज की हमारी न्यूज की। तो क्या कुछ इसमें बात की गई है, 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं, माध्यमिक का भी लेकर के चयन प्रक्रिया ठप है और पेपर लीक ने भी बिगाड़ा आयोग का कैलेंडर, भर्ती के इंतजार में बूढ़े हो रहे हैं हजारों बेरोजगार। प्रयागराज से न्यूज एजेंसी में बताया गया है कि सरकारी नौकरी पाने की चाहत में पूरे प्रदेश से प्रयागराज आने वाले युवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भर्ती के इंतजार में बूढ़े हुए जा रहे हैं। हजारों छात्र आवेदन किए बगैर ही ओवरएज होने के कारण नौकरी की रेस से बाहर हो रहे हैं। सालों बाद भर्ती आ भी जाए तो नकल माफिया पेपर लीक कराकर उनके मंसूबे पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ते। पेपर लीक का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कैलेंडर बिगड़ गया है। तो वही 2018 के बाद आई सिपाही भर्ती के आवेदक भी सालों बाद फिर से मायूस घर बैठे हैं। वही दूसरी ओर तमाम प्रयासों के बावजूद 7 साल बाद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सक्रिय नहीं होने के कारण लाखों युवाओं के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के विलय के लिए पहली जो बैठक है वो आपका 19 जुलाई 2017 को लखनऊ में जो है वो हुई थी। इसके तकरीबन 7 साल बीतने के बाद चयन जो बोर्ड है उसकी बिल्डिंग पर आयोग का बोर्ड टंगने के बाद 12 सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन अब तक नियमित जो अध्यक्ष है, परीक्षा नियंत्रक और सचिव की नियुक्ति वो नहीं हो सकी। इसी आयोग के माध्यम से ही बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक स्कूलों के अलावा 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों से लेकर प्रधानाचार्य तक, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय और 331 महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य आदि में नियुक्ति जो है वो होनी है। हालांकि अभी आयोग का कामकाज कब शुरू होगा इसे लेकर के संशय की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इसमें भी बताया गया कि संबद्ध संस्कृत विद्यालयों में भर्ती नहीं, शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद अभी खाली हैं। उसमें भी बताया गया है कि सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि उस उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। उसके बाद भी हर साल औसतन 6 से 7 हजार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अगर मान ली जाए तो 3 साल में तकरीबन 20,000 और पद खाली हो गए होंगे। हालांकि 2018 के बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है, वो चीज यहाँ पर जो है वो क्लियर की गई। आगे भी यही बात किया गया कि 5,180 पदों पर विज्ञापन के बावजूद भर्ती नहीं, जिसमें यहाँ पर शिक्षकों की बात ही की गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने एडेड कॉलेजों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पद है उनमें जो आवेदन लिए गए थे, टीजीटी पीजीटी के जो आवेदन लिए गए उनमें लेकर के भी बताया गया कि ये भर्ती भी अब नए आयोग से ही होनी है। ऊपर साइड देखेंगे तो आखिरी बार कब आई थी कौन सी भर्ती उसको लेकर के लिस्ट भी दी गई है, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018, सहायक अध्यापक राजकीय विद्यालय 2018 और इसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी 2019, तकनीकी सहायक 2015। तो सभी के सभी आप देखेंगे तो सालों साल जो है वो बीत गए हैं। परिवहन निरीक्षक, द्वंद्व रोगा, बोरिंग टेक्नीशियन, वन रक्षक, इस तरीके से। तो यही था अभी तक का सूरत हाल और यही था इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।